एक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग तकरीबन 1-1.5 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एक फिल्म के ऊपर जिसका नाम मैंने दलदल रखा है। मैं आपको बताता हूं कि ये फिल्म वजूद में कैसे आई। इसके पीछे छोटी सी कहानी है, वो ये कि मेरे कुछ कज़िन सिस्टर कज़िन ब्रदर रियाद आए हुए थे 1.5 साल पहले ईद हॉलीडेज़ में, कहकशां नौशाद और गुड्डू वगैरह। तो काफ़ी लोग थे, अब्दुल्ला भाई थे, साजिद थे और सुहेल भाई जान थे, हारिस थे, ये सब लोग थे। हम काफ़ी 8-10 लोग मिल करके अपना ये छुट्टी गुजार रहे थे। तो गुड्डू ने शायद मुझसे कहा कि आमिर भाई कुछ लिखिए, आप लिख करके इनको डायलॉग दीजिए और इनसे कैमरे के सामने बुलवाइए अब्दुल्ला भाई से। तो मैंने उसी वक्त 2-4 लाइन परदेश के ऊपर, क्योंकि जहन में कहीं ना कहीं ये तो था ही कि अब्दुल्ला भाई 16 साल से हिंदुस्तान नहीं गए हैं, तो एक परदेश की ज़िंदगी 16 साल से वो गुजार रहे हैं। तो मैंने वो 2-4 लाइन लिखी और उनको दे दी अब्दुल्ला भाई को। इत्तेफाक से मुस्लिम भाई भी आ गए वहाँ। तो मैंने मुस्लिम भाई से कहा कि मुस्लिम भाई आप ऑफिसर बन जाइए थोड़ी देर के लिए, और ये अब्दुल्ला भाई एक लेबर एक वर्कर का रोल कर रहे हैं और ये आपके पास अपने इंक्रीमेंट के लिए आए हैं। तो वो बैठ गए सामने और अब्दुल्ला भाई ने साहब वो डायलॉग बोलना शुरू किया। हालांकि जाहिर बात है कैमरे के सामने उनका पहला टाइम था ये इस तरह से डायलॉग बोलना। तो मैंने ये रियलाइज़ किया उसी वक्त कि अब्दुल्ला भाई बहुत ही इंटेंसिटी से, बहुत जिस जोश के साथ और जिस तवज्जो से और जिस मेहनत से और जिस लगन से डायलॉग बोल रहे हैं, ये वाकई में ये कुछ कर सकते हैं। तो खैर वो सबने एंटरटेन किया, रिटेक्स हुए, लोग हंस रहे थे और लोग चाय भी चल रही है और गपशप भी चल रही हैं और मैं डायरेक्शन भी दे रहा हूँ इस बीच में, और मतलब एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। लेकिन फिर बाद में ये छुट्टी तो गुजर गई, सब अपने अपने जगह चले गए, बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना मैं एक फ़िल्म लिखूँ। और मैंने जिस तरह से मुस्लिम भाई में या अब्दुल्ला भाई में एक जोश देखा है काम करने का, और इन्होंने मतलब इसको एज ए एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एज ए सीरियस उस सीन को लिया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि यार मैं इनसे एक्टिंग करा सकता हूँ। तो साहब फिर उसके बाद मैंने वो स्क्रिप्ट लिखने का सिलसिला शुरू किया और तकरीबन मैंने पहले स्टोरी प्लॉट की कि क्या स्टोरी होगी, कितने कैरेक्टर्स मैं डालूँ इसमें। तो ये पूरा काम मैंने तकरीबन 6 से 8 महीने में कंप्लीट कर लिया और मेरी जो स्क्रिप्ट थी वो माशाल्लाह, जैसा कि अभी आपके सामने है, ये मेरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद फिर मैं फील्ड में उतरा। फील्ड से मुराद यानी शूटिंग मैंने शुरू की, सबको रोल दिए, जो साजिद का रोल साजिद पे सूट करता था, बहरहाल जिस फिज़िकली जो जिस पे जैसा रोल फिट हो रहा था उनको मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया, और सबने माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया मेरी इस फिल्म में और बड़े चाह से काम किया इसमें। जहाँ तक कास्टिंग का सवाल है, उसमें ज़ाहिर है मैंने मुस्लिम भाई को जो हमने उस वक्त टाइम पास करने के लिए जो रोल दिया था वही उनको परमानेंट दे दिया एज ए ऑफिसर। अब्दुल्ला भाई इसमें सेंट्रल कैरेक्टर रहे और शैबर को एक नेगेटिव रोल दिया और हारिस को ऑफिस बॉय का, और मैं फिर ख़ुद भी इसमें मैं इन्वॉल्व हो गया। मैंने कहा चलो डायरेक्शन के साथ साथ थोड़ा स्क्रीन पे भी आ जाऊँ मैं। तो एक छोटा सा रोल मैंने भी अपने लिए चूज़ कर लिया उसमें से। तो इस तरह से ये दलदल। अच्छा हाँ, फिर एक और बात मैं बताऊँ बीच में कि जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिख ली तो फिर मेरे सामने सबसे बड़ा मसला था कि मैं इसका टाइटल क्या रखूँ। तो जहन में तरह तरह के नाम आ रहे थे कि परदेश से दूरी, परदेश का दुख, हम परदेसी। फिर मैंने सोचा कि यार ये एक ऐसा दलदल है कि जिसमें आदमी जितना ज़ोर लगाता है बाहर निकलने के लिए, दलदल की खासियत ये होती है उतना ही डिप यानी उतना ही गहराई में उतरता जाता है और फाइनली वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं इस फिल्म का नाम दलदल रखूं। तो गर्ज ये कि वो नाम छोटा भी था, एट्रैक्टिव भी था, मैंने फिल्म का नाम दलदल रखा। और तकरीबन 8 महीने हमने शूटिंग की
सारे ही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें तमाम कैरेक्टर्स, तमाम एक्टर, जितने भी लोग हैं वो पहली बार काम कर रहे हैं फिल्म में, जिन्होंने इससे पहले कभी कैमरे को फेस नहीं किया। और मुझे खुशी है, थोड़ी मेहनत तो लगी लेकिन मुझे खुशी है कि सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लाजवाब काम किया है। आप जब ये फिल्म देखें तो ये कंसीडर करें, ये सोच कर देखें कि आप जिनको एक्टिंग करते हुए स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये एक आसान जॉब नहीं है, इट इज़ नॉट ए क्वाइट सिंपल जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब। इफ़ यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विद द इमोशन, विद द एक्सप्रेशंस, विद योर बॉडी लैंग्वेज, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर द न्यू कमर्स। बट इफ यू कंसिडर दिस फिल्म एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज दैट रियली दे हैव डन देयर जॉब इज़ वेरी फैंटास्टिक। आपको यकीन नहीं आएगा कि किस तरह से इन्होंने एक्टिंग की है। मैं बहुत खुश हूँ बीइंग ए डायरेक्टर, और ये मेरा, इससे पहले मैंने एक फिल्म और डायरेक्ट की थी जब मैं नया नया आया था, तो वो तो एक शॉर्ट फिल्म मैंने लिखी थी, एक महीने में लिख ली थी, और ईद हॉलीडेज में मैंने 7 दिन में वो फिल्म बना दी थी। तो लेकिन ये इस बार जो मैंने काम किया है बहुत सीरियस होकर काम किया, और एक एक सीन पर मैंने स्क्रीन प्ले लिखा, डायलॉग्स लिखे, और मेकअप भी मैंने किया है, और डायरेक्शन तो दिया ही है, और लाइटिंग अरेंजमेंट वगैरह, हालांकि अब्दुल्ला भाई ने, साजिद ने, हारिस ने, इन सब ने लाइट्स को संभाला है, और दे हैव डन लॉट ऑफ यू नो विद द इमोशंस, विद द एक्सप्रेशंस, विद देयर हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट दे हैव डन देयर जॉब। इन्होंने बहुत मेहनत की है, सभी ने बहुत मेहनत की है, तो ज़ाहिर है मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, अलबत्ता इतना था कि भाई, हाँ, फिर दूसरा मरहला आता है फिल्म की एडिटिंग का, डबिंग का। तो वो तो शूटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने एडिटिंग इसकी करना शुरू की। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड था, और डबिंग के लिए मैंने फिल्मों से इधर उधर से म्यूज़िक ली, और सीन के हिसाब से, मूड के हिसाब से वो मैंने उसमें म्यूज़िक डालने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आई होप दैट यू विल लाइक दिस मूवी, और मुझे उम्मीद है कि आप जब भी ये फिल्म देखें, ये सोच के देखें कि देखिए, हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, हमारे पास कोई ऐसी मशीनरीज नहीं थी कि हम जिसको या हमारे पास कोई ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं थे कि ये फिल्म में हेल्प करते। जो कुछ करना था मुझे ही करना था, डायरेक्शन से लेके एडिटिंग, डबिंग, स्क्रिप्ट, हर चीज़ मैंने खुद एक, ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि एक आदमी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और मुझे बड़े अच्छे एक्टर मिले, और बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है सबने, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई, नेक्स्ट फिल्म मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, वो मेरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इस फिल्म में जितने भी एक्टर हैं सारे मैंने बुलंदशहर से लिए हैं, और अगली फिल्म का मैं सोच रहा हूँ कि अगली फिल्म में जो मैं तमाम एक्टर्स लूँगा वो अपने शहर अलीगढ़ से लूँगा, बल्कि स्टेज बैकग्राउंड से, जो यूनिवर्सिटी में स्टेज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, और उसमें अब्दुल्ला भाई मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, एक रोल मैंने चूँकि उनको स्क्रिप्ट सुनाई थी, वो जो मैंने 6 साल पहले लिखी थी, तो वो उसमें एक रोल लेना चाहते हैं हीरो के बाप का। तो बहरहाल, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी शूटिंग में कि यहाँ हम आउटडोर शूटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि सऊदी अरब में ये ममनू है, मना है बाहर। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा रिस्क लिया, मैंने और अब्दुल्ला भाई ने, और मुझे कुछ शॉट्स ऐसे चाहिए थे अब्दुल्ला भाई के जो आउटडोर ही मुमकिन थे, तो वो मैंने शूट किया बहरहाल थोड़ा बहुत। तो कुल मिला के ये फिल्म कंप्लीट हुई है, और आप देखिए कि किस तरह का इसमें डायरेक्शन है, किस तरह की एक्टिंग है। और प्लीज़, एंड मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी देखें तो ये ज़रूर जहन में पहले बांध लें इस चीज़ को, इस जहन में अपना सोच लें कि भाई, हम जो फिल्म देखने जा रहे हैं, ये एक नौसिखिया लोग हैं, नए लोग हैं, मैं खुद कुछ नहीं जानता, मैं ना के बराबर हूँ जो लोग ज़ाहिर काम करते हैं बॉम्बे में या प्रोफेशनली काम करते हैं, मैं तो उनका 1% भी नहीं जानता हूँ। तो बहरहाल आप देखिए दलदल फिल्म, इंशाल्लाह मैं तो कहूँगा ही कि अच्छी बनी है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह
कोई भी माँ बाप अपने औलाद को ये नहीं कह सकता कि हमारी औलाद बुरी है या अच्छी नहीं है, या तो इसी तरह से मेरी ये एक प्रोडक्शन है, तो मैं अपनी प्रोडक्शन को अच्छा ही बताऊंगा, लेकिन असल रिज़ल्ट तो आप लोग देखने के बाद बताएंगे कि आपको कैसी लगी है। हमारी एक ये जद्दोजहद है, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है, और मैंने इसमें खाली निगेटिव आस्पेक्ट से फिल्म को नहीं लिया है, ये पॉजिटिव भी है। इसमें लोग खुशहाल भी दिखाए हैं, और फॉरनर्स हैं जो जो कंपनीज को रन कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, और चूंकि ऐसे लोग 0.1% हैं, लेकिन 99.9% तो ज़ाहिर है हम जैसे हैं जो आए हैं और डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, कुछ कुछ मंथली काम कर रहे हैं, कुछ थोड़ी तनख्वाह पर हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा है, कोई मीडियम है, हर तरह के लोग हैं, और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी की 6 बेटियां हैं, किसी की 2 बेटी हैं, किसी को घर बनाना है, किसी को बहनों की शादी करनी है, तो इस तरह से लोग परदेश में रह रहे हैं, और ये हम देखते हैं, ये एज ए फिक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रू है, ये हो रहा है कहीं ना कहीं, और आप इस फिल्म को देखें और एंटरटेन करें, और मेरा एक्सपीरियंस मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ इस फिल्म के ज़रिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।